Very very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we are starting with a new chapter, Acids, Bases and Salts. This is the chapter 2 from class 10 NCERT science book. The chapter Acids, Bases and Salts. About this chapter, in class 7 also, in chapter 5, we have also studied about acids, bases and salts. So I think for more basic, we should go through those videos and especially class 10 students. क्योंकि आपका थोड़ा सा time जरूर लगेगा, लेकिन जो class 7 में जो दिया है वो और ज़्यादा basic है. तो उसके through आप, मैंने वो videos बना रखी हैं. तो I request especially class 10 students कि आप वो videos देखिए, ताकि आपको जो बेसिक है इस चीज का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, फिर उसमें क्या इंडिकेटर्स है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इतना डिस्कस किया है. हार्डली 1 आवर्स उसमें आपको लगेगा. तो एक बार आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए. चलिए अब इस चैप्टर से शुरू करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कोई भी फूड है तो उसको टेस्ट करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो आपका फूड है वो एसिड है या बेस है. तो अगर आपके फूड का टेस्ट सावर है तो आपका जो फूड है वो एसिड है, और अगर आपका फूड बीटर इन टेस्ट है तो आपका फूड जो है बेसिक इन नेचर है. अब आपको ये पता चल गया कि ये फूड आपका एसिडिक है, ये फूड आपका बेसिक है. तो इसमें आपको आगे क्या करना है कि इस नॉलेज के बेस पे क्या आप कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हो. मान लो आपकी फैमिली में कोई बंदा है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी रेमेडी सजेस्ट करेंगे कि लेमन जूस ले, विनेगर ले या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले. अब ये देखिए, ये हमें पता है कि लेमन जूस में आपका सिट्रिक एसिड रहता है, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आपका बेसिक है. तो अगर ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मतलब आपके स्टमक में एसिड ज्यादा रिलीज हो गया, आपकी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेंगे, बेसिक सॉल्यूशन लेंगे. तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि आप कौन सा सजेस्ट करेंगे कि इन तीनों में से अगर आपको लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा एसिडिटी को, एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन लेना चाहिए. चलिए अब कुछ और देखते हैं. अब यहाँ पे जो आपका आपके क्वेश्चंस दिए हैं कि मान लो जैसे आपने ये बताया कि इन तीनों सॉल्यूशन में से आपने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि कौन सी रेमेडी यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम बेसिक सॉल्यूशन देंगे, तब आपने सोचा कि यस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देना चाहिए. और दूसरा आपको क्या नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो एसिड और बेसिक, अगर कोई आपका एसिड्स है या फिर कोई बेस है तो उसके इफेक्ट को कैसे नलिफाई किया जा सकता है. ऑब्वियसली अगर एसिड है ज्यादा, अगर उसमें हम बेस मिला देंगे तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसमें एसिड डाल देंगे तो उसका बेस जो है उसका बेसिक इफेक्ट न्यूट्रल आउट हो जाएगा. अच्छा, अब आप रिकॉल कीजिए कि हमने कैसे बताया था कि जो आपका जो सब्सटेंस है वो फूड आइटम भी आपका हो सकता है या कुछ अदर सब्सटेंसेस भी आपके हो सकते हैं. तो मान लो जैसे एक तो हमने टेस्ट के बेस पे तो हमने बता दिया कि ठीक है ये एसिड है ये बेस है, बट आपको उनको टेस्ट भी नहीं करना है, फिर भी आपको ये बताना है कि ये एसिड है कि बेस है. तो हमने देखा था कि हमने कुछ इंडिकेटर यूज किए थे, जैसे हमने एक लिटमस पेपर यूज किया था, टर्मेरिक टेस्ट किया था, और हमने उसमें क्लास 7 में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्लास 7 की वीडियोज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए. और भी बहुत सारे कुछ इंडिकेटर थे जैसे फिनोफ्थैलीन, और अभी इसमें एक आधा इंडिकेटर और ऐड हो गया है जो हमने क्लास 7 में नहीं देखा था, लाइक मिथाइल ऑरेंज. ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, है ना. तो आपको थोड़ा सा याद है कि जैसे अगर मान लो एसिड है तो एसिड आपका क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. बेस आपका क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है. और हमने ये देखा था कि जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये यहाँ पे अगर हम इस नोट में एक बार देखें तो लिटमस एक पर्पल कलर का डाई होता है और लाइकम ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये एक थैलोफाइटा डिवीजन प्लांट से बिलोंग करता है, मतलब प्लांट की क्लास है ये.
और कॉमनली ये इंडिकेटर के लिए यूज होता है, इंडिकेटर मतलब फॉर द बेस और एसिड। तो जैसे हमने बताया कि जब लिटमस सॉल्यूशन आपका ना एसिडिक है ना बेसिक है तो इसका कलर पर्पल होता है, लेकिन जब अगर हम इसमें एसिड डाल देंगे तो ये रेड हो जाएगा और बेस डाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो लाइक लिटमस कुछ अदर नेचुरल मटेरियल्स भी हैं जैसे रेड कैबेज लीव्स है, टर्मेरिक है और बहुत सारे फूल हैं जिनके कलर्ड पेटल्स हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ये है गिरेनियम। ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। क्यों? क्योंकि इनका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होने से, और हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन सा कलर आता है तो आपका एसिड और कौन सा कलर आता है तो आपका बेस है। अच्छा, जैसे टर्मेरिक इंडिकेटर के लिए हमने देखा था कि टर्मेरिक आपका येलो कलर का रहता है और अगर उसको हम एसिड में डालेंगे तो अगर हमने जैसे टर्मेरिक की पेपर स्ट्रिप अगर हमने बनाई किसी भी पेपर पे, अगर टर्मेरिक को लेप कर लेते हैं तो वो हमारी टर्मेरिक की पेपर स्ट्रिप हो गई। अगर एसिड उसके ऊपर डालेंगे, एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही रीजन है कि जब अगर हमारे कपड़ों के ऊपर कोई सब्जी या मान लो करी का स्टेन लग जाता है और जब हम उसको वॉश करते हैं तो जब सोप उसके ऊपर रब करते हैं तो जहाँ पे हमारा करी का स्टेन है वो आपका रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि वो जो टर्मेरिक है वो एक इंडिकेटर का काम करता है और अगर आपका वहां पे बेसिक सॉल्यूशन है तो वो रेड दिखाई देगा। तो इट मींस क्या हुआ, जो आपका करी था वो उसमें आपका हल्दी है तो हल्दी जो है वो आपका इंडिकेटर का काम कर रहा है और जो सोप है सोप आपका बेसिक इन नेचर है। तो जैसे ही आपका टर्मेरिक और बेसिक सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा तो आपका जो टर्मेरिक का येलो कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम क्लास 7 में अच्छे से रीड किए हैं। अभी कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलिन है, ये भी एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एसिड बेस की रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं डे टू डे लाइफ में और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व करेंगे, इसके पहले हम थोड़ा सा और एक बेसिक रिविजन कर लेते हैं। जो टॉपिक 2.1 दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसमें क्या करना है कि आपको बस समझना है कि आपका ये एसिड है ये बेस है, वो भी किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। आपको क्या करना है, लेबोरेटरी से कुछ एसिड और बेस कलेक्ट कर लेने हैं, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनमें कुछ आपके एसिडिक सोल्यूशन है कुछ बेसिक सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, सबका सेपरेटली एक्सपेरिमेंट करना है और आपके पास जैसे ये टेबल 2.1 में दिखाया है, यहाँ पे आप कॉलम फर्स्ट में नेम ऑफ सॉल्यूशन लिखिए आपका एसिड है या बेस है और ये आगे जो चार कॉलम है इनमें आपके इंडिकेटर हैं। तो इंडिकेटर, इन इंडिकेटर के साथ क्या होता है, चलिए हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एसिड के साथ क्या होगा, बेस के साथ क्या होगा। उसमें आपको करना क्या है कि आपको एक वॉच ग्लास के अंदर कुछ ड्रॉप्स आपको अपने सॉल्यूशन की ले लेनी है। सबसे पहले मान लो आपने एसिड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स आपने, या फिर हम यूं कहें कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड यू टुक इन वॉच ग्लास और उसके बाद आप क्या करना है, ये इंडिकेटर से आपको टेस्ट करना है कि ये आपका सॉल्यूशन कि एसिड है, ये आपको कंफर्म करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं नंबर वन पे देखो ये यहाँ पे दिया नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर लिखने का है तो मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड के लिए पहले, तो एसिड को हमने क्या किया कि रेड लिटमस सॉल्यूशन में डाला, तो एसिड आपका क्या करता है, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में करता है और अगर हम एक नेचुरल लिटमस लेंगे तो उसको रेड में कन्वर्ट करता है। तो ऑलरेडी रेड है तो क्या कलर चेंज होगा, नहीं होगा, तो आपका रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन, अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हम फिनोफ्थलिन को मिक्स करेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, नो इफेक्ट।
कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मिथाइल ओरेंज सॉल्यूशन अगर आपका है तो मिथाइल ओरेंज सॉल्यूशन अगर हम उसको एसिड के साथ एसिड में मिथाइल ओरेंज डालेंगे तो आपका रेड कलर आएगा, आपका रेड कलर आएगा। ओके ये तो हुआ अगर हमने कोई भी एसिड लिया और हमने मतलब हमने सॉरी कोई भी सॉल्यूशन लिया, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारा रेड रहता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमारा रेड हो जाता है, फिनोफ्थैलिन में कोई कलर नहीं आता है, मिथाइल ओरेंज सॉल्यूशन हमारा रेड रहता है, तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिड है। अब मान लो आपने कोई बेस सॉल्यूशन लिया, उसको कैसे कंफर्म करोगे? आपने बेस सॉल्यूशन लिया तो आपके क्या क्या रिजल्ट आएंगे देख लेते हैं। बेस क्या करता है? बेस अगर आपका रेड को ब्लू करता है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन वो आपका कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अगर आपका ब्लू सॉल्यूशन है तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा। अच्छा ये जो फिनोफ्थलिन है, फिनोफ्थलिन का क्या है कि एसिड में उसका कोई कलर नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लेने हैं और उन सॉल्यूशन को ये जो आपके चार इंडिकेटर हैं इनके साथ टेस्ट करना है। देखिए अगर आपका सॉल्यूशन रेड लिटमस सॉल्यूशन आपका रेड ही रहता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता है और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन आपका रेड हो जाता है, अगर कोई भी सॉल्यूशन इन चारों इंडिकेटर के साथ इस तरीके से आपके सॉल्यूशन का कलर दिखाता है तो इट मींस आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। तो एसिडिक मैंने आपका बताया कि आपका कोई भी आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है जो आपने लेबोरेटरी से लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और भी कोई भी एसिड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है आपको अपने से नहीं करने हैं, टीचर की प्रेजेंस में ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। ओके अब मान लो कोई सॉल्यूशन आपने लिया और रेड लिटमस सॉल्यूशन आपका ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपका ब्लू ही देता है जब आप सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं, और फिनोफ्थैलिन अगर आप उस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो आपका पिंक कलर आ रहा है, और मिथाइल ओरेंज सॉल्यूशन आप उस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो आपका येलो कलर आ रहा है, तो इट मींस जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो बेस है। तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं होता है तो आप फिर से एक बार वीडियो सुनिए, नोट डाउन कीजिए कलर, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। एक और टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ओल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल को सेंस करें, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करेंगे कि मतलब अगर आपका मान लो हमने उस इंडिकेटर को एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर स्मेल चेंज हो जाता है तो इट मींस वो आपका एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो अगर इन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हम डेफिनेशन बताएं तो सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर स्मेल व्हेन एडेड टू एसिड्स और बेस। जनरली क्या होता है कि अगर हम एसिड में डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है वो एज इट इज रहती है, मतलब दे रिटेन देयर स्मेल इन एसिड्स, लेकिन अगर उनको बेस में ऐड करेंगे तो जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है। तो ये होता है ओल्फैक्टरी, जनरली जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का है वो वही देखा गया है। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में यूज होते हैं जैसे वैनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। तो एक एक्टिविटी 2.2 में आपको क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक बैग के अंदर बिल्कुल फाइनली चॉप्ड ऑनियन रख लेने हैं और एक क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप्स कट करके भी उसके साथ पैक कर देनी है। अब आप बैग को टाइटली टाई कर दीजिए और उसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दीजिए। अब ये जो आपकी क्लॉथ स्ट्रिप्स है क्योंकि इनके ऊपर ऑनियन की अच्छे वाली स्मेल आ गई है, तो ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है नाउ दे कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। आपको क्या करना है, टू क्लोथ स्ट्रिप्स निकालिए, दोनों को एक क्लीन जगह पे आप रख दीजिए, उनका ऑर्डर आपको चेक करना है कैसे स्मेल आ रही है, और उसके बाद एक क्लीन सरफेस पे आप रख के एक पे आप डाइल्यूट HCl की कुछ
ड्रॉप्स डालिए और दूसरे वाले पे आप NaOH सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स रखें। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ऑनियन देखें या जो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जनरली ये क्या करते हैं, जब आप एसिड डालोगे तो स्मेल आपका रहेगा, लेकिन जब आप इसमें बेस सॉल्यूशन डालोगे, जैसे आपने डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन यहाँ पे डाला, तो जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। उसके बाद आपको दोनों स्ट्रिप्स को वाटर के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर से उसका ऑर्डर चेक करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। और सिमिलर आप डाइल्यूट वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो आपका एसिड होगा, एसिड आपके टेस्ट को एसिड क्या करेगा, आपकी स्मेल को मेंटेन करके रखेगा। मान लो आपने जो, जैसे मान लो वेनिला लिया या आपने क्लोव ऑयल लिया, तो अगर हम मान लो कोई एसिडिक सॉल्यूशन इनके ऊपर रखते हैं तो वेनिला की स्मेल भी आपको आएगी, क्लोव ऑयल की स्मेल भी आपको आएगी, लेकिन अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन इनके ऊपर डालते हैं तो जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा विच ऑफ दीज वेनिला ऑनियन एंड क्लोव दे कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, तो इसका आंसर हो गया है। चलिए कुछ और एक्टिविटीज हम करेंगे कि कैसे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एसिड्स और बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक्टिविटी 2.3 को ये फिगर 2.1 से एक्सप्लेन किया है। देखिए इसमें कुछ नहीं, ये एक हम जो इसके चैप्टर 1 में भी ये वाला थोड़ा हम देख चुके हैं कि कैसे जिंक जो है और एसिड, जब हमने जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा था तो कुछ वैसा ही है, क्योंकि आपका टॉपिक का नाम ही है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है, उसका रिएक्शन मेटल यहाँ पे जिंक लिया है। तो एक्टिविटी 2.3 में हम वही देख रहे हैं, इसमें क्या किया, ये आपका स्टैंड है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये कॉर्क फिट है, कॉर्क के थ्रू से ये एक पाइप फिट है, और इसमें नीचे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जब जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो यहाँ से जो ग्लास पाइप कॉर्क के थ्रू निकल रही है, इसको हमने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला, तो सॉफ्ट के जो बबल्स आएंगे उसमें हाइड्रोजन गैस आएगी। जैसे वो बबल्स ऊपर आएंगे, मान लो हमने एक बर्निंग कैंडल हम इन बबल्स के पास में लाते हैं तो पॉप साउंड रिलीज होता है। तो ये पॉप साउंड बताता है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो एक्टिविटी दिया है इसमें यही लिखा है। अगेन ये जो एक्टिविटी है ये आपको टीचर्स के साथ ही करनी है, अकेले कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स के पीसेस डाल देने हैं। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको जैसे गैस निकलेगी तो कुछ बबल्स दिखाई देंगे, और ये जो गैस निकलेगी जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पे, इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन के ऊपर से पास कर देना है, और एक बर्निंग कैंडल जो बबल्स आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स आएंगे, इनके पास में लेके आना है, बबल्स के पास में, तो आपको देखना है कि कैसा जो है पॉप साउंड निकल रहा है। और सेम एक्टिविटी आप चाहे आपका कोई भी एसिड हो, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, तो जब हम एसिड के साथ में जिंक ग्रेन्यूल, जिंक आपका मेटल हो गया, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इस एक्टिविटी में हमने देखा है कि जब हमारा जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये जो टेस्ट है ये बता रहा है हाइड्रोजन कंफर्मेशन टेस्ट, क्योंकि अगर आपका, हमने बताया ना कि हाइड्रोजन गैस जब जलेगी पॉप साउंड आएगी, तो इट मीन्स जो आपकी बर्निंग गैस है वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए भी अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर वन में हमने देखा था कि अगर ऑक्सीजन गैस बर्न होगी तो एक ग्लोइंग लाइट आपको दिखेगी। तो इस वीडियो में अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब मेटल जो है उसने क्या किया, ये देखिए ये रिएक्शन दिखाई है कि आपका एसिड है प्लस मेटल है, इसने सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस निकाली। तो यहाँ पे मेटल ने क्या किया है, मेटल ने जो आपका एसिड था, एसिड से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया है और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेस रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो एक सॉल्ट होगा।
तो ये हमने ओवरऑल रिएक्शन देख ली है। अब हम ये देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि एसिड और मेटल का रिएक्शन, अब हम देखेंगे कि मेटल और बेस का रिएक्शन। तो वो हम एक्टिविटी 2.4 से देखते हैं। इसमें सिंपली आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में अगेन हमने जिंक मेटल्स के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए हैं, कुछ पीसेस लिए हैं, और उसके बाद उसमें हम जैसे अगर बेस के साथ देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें अब हम बेस मिक्स करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम उसमें डाल रहे हैं एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब उसको गर्म करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें जो होगा ये होगा कि ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बेसिक सॉल्यूशन लिया, जिंक आपका मेटल था, तो आप ये देखिए कि आपका सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जैसा हमने पहले टेस्ट किया था कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस की टेस्ट के लिए हम कैंडल फ्लेम को बाहर लाए और मतलब जो कॉर्क के थ्रू जो टेस्ट ट्यूब पे आपने कॉर्क फिट किया था उसके थ्रू एक ग्लास पाइप आपने निकाली जो कि सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाली, उसके बाद जो आपके बबल्स आएंगे अगर आप बर्निंग कैंडल उनके पास लाएंगे पॉप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब एसिड्स और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। However, such reactions are not possible with all metal. ये आपको नोट करना है, बट एक जनरल रिएक्शन हमने मेटल की देखी है विद एसिड्स और बेस। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे की कंटिन्यूटी जो चैप्टर का है वो नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।